आओ बच्चों, आज हम आपके साथ एक क्विज डिस्कस करेंगे। एक बार सुबह सुबह मैं एक शॉप पे गया, शू शॉप थी वो। मैंने उनसे पूछा सुबह सुबह कि शूज़ कितने के हैं। उन्होंने कहा शूज़ हैं 60 रुपीज़ के, 60 रुपये के। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सही सही लगा लो। तो दुकानदार ने कहा भाई साहब, सुबह सुबह बोनी का टाइम है, जितने की हमारी कॉस्ट है, जितने की हमारी लागत है, उतने का ही हम सेल प्राइस है, हम उतने में ही बेच रहे हैं। इट मीन्स दुकानदार कहने का मतलब था 60 रुपये के जूते हैं और 60 रुपये में ही दुकानदार आपको बेच रहा है। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक जोड़ी जूते आप मुझे दे दो। तो उसने मुझे 60 रुपये के जूते दे दिए और मैंने उसको 100 रुपये का नोट दिया। जब मैंने 100 रुपये का नोट दिया तो उसके पास चेंज नहीं थे, तो वो गया अपनी साथ वाली दुकान पे। साथ वाली दुकान पे उसने वो 100 रुपये का नोट दिया और उसके बदले उसको 10-10 के 10 नोट वापस मिल गए इन चेंज। जब वो वापस दुकान पे आया तो उसने मुझे 10-10 के 4 नोट, मतलब 40 रुपये और 60 रुपये के जूते, वो मुझे उसने मेरे हाथ में दे दिए। जूते लेके और पैसे लेके मैं खुशी खुशी अपने घर आ गया। पहला दिन ख़त्म हो गया। अगले दिन दूसरी दुकानदार वाला, वो पहली दुकानदार वाले के पास गया और उसने कहा भाई साहब, आपने जो मुझे 100 रुपये का नोट दिया था, वो नोट तो नकली है, नोट फेक है, कृपया करके मेरे 100 रुपये वापस कर दो। अब जो पहले दुकानदार था, अब उस दुकानदार ने नोट देखा, नोट सही में ही नकली था, उसने वो नोट फाड़ दिया और वो नोट उसने उसके बदले 10-10 के 10 नोट दूसरे दुकानदार वाले को वापस कर दिए। अब जो पहला दुकानदार था, वो कस्टमर को मींस मुझे तो पकड़ नहीं सकता। तो अब क्वेश्चन आप सबके लिए ये है, उस दुकानदार का टोटल कितना नुकसान हुआ? बेटा बहुत आराम से सोचना है आप सबने। नुकसान का मतलब होता है पैसे भी गए, जूते भी गए, हर तरह से उसका कितना नुकसान हुआ। क्वेश्चन गोज टू यू।